हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि अब आपको सभी टीचिंग एग्जाम से लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुँच सके। सो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस, क्या मैंने अपने मेडिकल में फ़ेस किया, कैसे होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, वो सब मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो DOE में, सो दिस इज़ माय मेडिकल एक्सपीरियंस अंडर DOE GNCT ऑफ दिल्ली। ओके, सो जो मेडिकल लेटर जो मुझे मिला था वो मुझे मिला था 8th ऑफ अगस्त 2022 को मुझे मेडिकल लेटर मिला था, और उस मेडिकल लेटर में लिखा हुआ था कि मुझे 20th ऑफ अगस्त से पहले हॉस्पिटल में विजिट करना है। सो मैं हॉस्पिटल में गई थी 2 दिन बाद, ऑन 13th ऑफ अगस्त मैं हॉस्पिटल में गई थी, और उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको खुद कॉल करके बुला लेंगे, आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको आना होगा, जब आपका काम होगा तो वो खुद हमें कॉल करके बुला लेंगे। उसके बाद ऑन 31st ऑफ अगस्त हॉस्पिटल से मुझे कॉल आती है फॉर माई मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन 1st ऑफ सितंबर 2022। सो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मुझे कॉल किया जाता है 31st ऑफ अगस्त कि आपका 1st सितंबर को मेडिकल है तो आपको विजिट करना है। टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी वो आपको इन्फॉर्म करते हैं, तो टेक्स्ट मैसेज भी आया था कि मुझे किस टाइम वहाँ पे पहुँच जाना है और मुझे क्या क्या लेके जाना है फॉर द मेडिकल, वो सब उस टेक्स्ट मैसेज में मेंशन था। सो मैं क्या आपको मेडिकल लेटर की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, एंड 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये आपको ज़रूर लेके जानी है जब आपका मेडिकल होता है। ओके, सो जो मुझे हॉस्पिटल मिला था मेडिकल के लिए था वो था बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल, जो कि रोहिणी वेस्ट में लोकेटेड है। वो हॉस्पिटल मुझे असाइन किया था DOE ने फॉर मेडिकल। जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जो रिपोर्टिंग टाइम था मेरा वो था 9 AM, और 9 AM मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी, और वहां जाकर फिर मुझे एक फॉर्म दिया जो कि मुझे फिल करना था। फॉर्म में आपका नाम, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको फिल करनी होती है, अपने फैमिली हिस्ट्री लिखनी होती है, फैमिली डिटेल्स रखनी होती है कि कोई फैमिली मेंबर अनफिट तो नहीं है, किसी को कोई डिजीज़ तो नहीं है, आपने लेटेस्ट वैक्सीनेशन क्या कराया, आपको अस्थमा तो नहीं है, ये सब आपको उसमें मेंशन करना होता है। और फॉर्म में आपके सभी फिंगर्स के इंप्रेशंस भी लिए जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों ही हैंड के फिंगर्स के इंप्रेशन लिए जाते हैं। सो जैसे आप फॉर्म फिल कर देते हो, उसी फॉर्म में स्पेस होता है जो भी आपके डिफरेंट टेस्ट है उसकी रिपोर्ट का, जो डॉक्टर्स फिल करते हैं आफ्टर द टेस्ट, पर्टिकुलर टेस्ट जो भी आपका टेस्ट हो रहा है, फिर उसकी रिपोर्ट वहीं की वहीं आपके कॉलम में मेंशन कर देते हैं। सो फॉर्म सबमिट करने के बाद सबसे पहले वेट और हाइट मेरा मेजर किया गया था और उसको उस फॉर्म में फिल कर दिया गया था जो भी हमारे मेडिकल करा रहे थे उन्होंने। उसके बाद यूरिन टेस्ट कंडक्ट कराया गया, एंड उसके बाद ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट कराने के बाद फीमेल कैंडिडेट्स अगर हैं तो उनका गायनेक का टेस्ट होगा, जिसमें दे विल आस्क अबाउट योर बॉडी, तो उसके बारे में वो आपसे पूछेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, PCOD PCOS कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो सब आपसे पूछेंगे। ओके, अगर हम बात करें सर्जरी की, तो सर्जरी में आपसे पूछेंगे कि आपके कोई सर्जरी तो नहीं हुई, और अगर आप किसी मेडिसिन पर तो नहीं हो, तो ये सब आपका सर्जरी में पूछते हैं और टेस्ट करते हैं। मेडिसिन में हमारा BP चेक किया गया था, हार्ट रेट चेक किया गया था, जब आप कुछ काम नहीं कर रहे हो तब आपका हार्ट रेट क्या है, जब और फिर आपको थोड़ा टाइम ऐसे जंप कराते हैं फिर आपका हार्ट रेट दोबारा मेजर करते हैं, ये सब यहाँ पे मेडिसिन में हमारा कराया गया था। उसके बाद होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट में अगर आपको स्पेक्स लगे हुए हैं तो वहीं पे आपका कितने पावर का आपका स्पेक्स है वो चेक कराया जाता है, और एक होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट, वो किया जाता है। ENT में ईयर नोज़ थ्रोट का टेस्ट होता है, तो
तो अगर आप ईयर का बात करें, तो अगर आप, मैं सजेस्ट करूँगी आप अपना ईयर क्लीन करके जाए, उसमें ज़्यादा वैक्स ना हो। अगर ज़्यादा वैक्स होगी तो फिर वो आपको क्लीन कराना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं अपने हॉस्पिटल में बात करूँ तो जिन कैंडिडेट्स के ईयर में ज़्यादा वैक्स थी उनका वहीं पे क्लीन भी करा रहे थे। बट आई वुड सजेस्ट कि आपका टाइम सेव हो तो आप अपना घर से ही पहले ही क्लीन करके लेके जाए, या फिर डॉक्टर से आप पहले ही क्लीन करा ले उसको। ओके, सो ENT टेस्ट हुआ। सो लास्ट जो था वो था मेरा एक्सरे। एक्सरे टेस्ट लास्ट हुआ, आपका चेस्ट का एक्सरे कंडक्ट कराया गया था। और उसके बाद होने के बाद, एक्सरे होने के बाद फिर हमारी रिपोर्ट तैयार कर दी गई थी, जिसके लिए 1 आवर, अप्रॉक्सीमेटली 1 1/2 आवर लगा था रिपोर्ट पूरी तैयार करने के लिए। और जो हमारे, जब मेरा मेडिकल था डेट वॉज ऑन 1 सितंबर 2022, तो 10 10 के बैचेस में बुला रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में। मतलब जो मुझे हॉस्पिटल मिला था उसमें 10 गर्ल्स थी जिनका मेडिकल कंडक्ट कराया गया था, और 10 10 के बैचेस में ही हॉस्पिटल मेडिकल कंडक्ट करा रहे हैं ताकि इजीली हो जाए और प्रॉपरली हो जाए, कुछ मिस ना हो। इसलिए 10 10 का बैचेस में स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं और मेडिकल करा रहे हैं। रिपोर्ट तैयार होने के बाद एक बार आपको वहाँ पे जो आपका मेडिकल करा रहे हैं उनका साइन, एट द एंड उनके साइन होते हैं और आपकी रिपोर्ट पूरी सही होती है, तो एक बार आपको क्रॉस चेक करवा कर लेते हैं वो, और फिर आपका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपको फिर कुछ नहीं करना, जो मेडिकल की रिपोर्ट है तैयार होके वो हॉस्पिटल अपने आप खुद से DOE को भेज देता है कि एवरीथिंग इज़ ओके इन हिज और हर मेडिकल। तो उसमें कुछ ऐसा सीरियस इशू नहीं है कि भाई मेडिकल में ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत ही स्मूथली मेडिकल कंडक्ट होता है। कुछ भी ऐसे नर्वस होने की आपको ज़रूरत नहीं है, इजीली मेडिकल कंडक्ट हो जाता है। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस अबाउट माई मेडिकल। आई होप यू लाइक माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न विद अलका। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक एज वेल एज इंस्टा का लिंक मेंशन है, वहाँ जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।